यूएई विजिट वीजा 2 माह का इसका टोटल खर्चा कितना आएगा? हर बंदे के जहन में यूएई विजिट वीजा पर आने से पहले ये सवाल पैदा होता है कि मैं ये विजिट वीजा ले रहा हूं, मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। तो आज मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि यूएई विजिट वीजा जो 2 मंथ का है इसका टोटल एक्सपेंस कितना लगेगा, टोटल इस पर कितना खर्चा आएगा। आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे आपको बताऊंगा। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम अफनान अली है। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज के इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें बगैर स्किप किए हुए। यूएई विजिट वीजा जो है 2 मंथ का, अगर इसको हम दिरहम की प्राइस में देखें, आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, एनीवन अदर कंट्री, किसी भी कंट्री से आप इधर आ रहे हैं, तो आपने अपने जो कंट्री की करेंसी है उसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके हां उसका जो रेट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2 मंथ का जो विजिट वीजा है जब आप लेते हैं तो इसकी जो प्राइस है तकरीबन 800 दिरहम है, यानी कि अभी जो करंट इसका जो रेट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो मेन रेट है वो है 800 दिरहम। इसके बाद जो है दूसरा जो फिगर है वो आता है आपके साथ कि जब आप वीजा ले लेते हैं तो अब आपने टिकट करानी होती है। टिकट के लिए भी आपको दोनों साइड की टिकट जो है वो शो करना पड़ती है एयरपोर्ट पे। वन साइड टिकट पर आपको यूएई में आने नहीं देंगे, आपको दोनों टिकट्स जो हैं वो यूएई एयरपोर्ट पे शो करवानी पड़ती हैं, फिर ही वो आपको यूएई में इन होने देंगे, अदरवाइज आपको वापस भी भेजा जा सकता है वन साइड टिकट होने की बुनियाद पर। ये बात आप जहन में रखें। तो दोनों साइड की जो टिकट है उसकी अगर प्राइस देखी जाए तो तकरीबन 1500-1600 के करीब करीब ये टिकट जो है हो रही है इस वक्त जो इसकी प्राइस है, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन कम अज कम 1500-1600 के करीब इसका जो रेट है मैं आपको बता रहा हूं। अब इन दोनों को अगर हम जमा करें तो 800 और 1500 तकरीबन 2300 हो गया। अब आप यूएई में इन हो जाते हैं तो इधर आने के बाद आपको जो जरूरत होती है वो होती है रहायश की, बेड स्पेस की। मैं मुकम्मल तौर पे आपको बताऊंगा बेड स्पेस के हवाले से भी आपको बताऊंगा कितने में आपको मिलेगा। इसके बाद जो खाना है आपका कितना उस पर खर्चा आएगा, टोटली तौर पे जितने भी एक्सपेंस हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर तो आपके कोई रिश्तेदार इधर हैं तो आप उनके साथ बात करके आए, ये बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं। अब बारी आती है एयरपोर्ट पे जो 5000 दिरहम आपने शो करवाने हैं वो जरूरी है। 5000 से अगर कम है, 2000 है, 3000 है तब भी चलेगा। अब ये जो शो मनी होती है ये बेसिकली आपके अपने जाती पैसे होते हैं, आपने सिर्फ शो इसलिए करवाने हैं क्योंकि जाहिर है इधर आकर जो आपने खर्चा करना है, जो आपने रहायश लेनी है, बेड स्पेस लेना है, खाना खाना है, आपके जो टोटल ट्रेवल के जो पैसे हैं वो इसलिए शो करवाने पड़ते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, इनका सिर्फ ये मकसद होता है, एयरपोर्ट वाले इसलिए सिर्फ ये पूछते हैं। अब आया कि आपको शो मनी की भी जरूरत ना पड़े तो इसके लिए आपने करना क्या है कि अगर आपके कोई रिलेटिव इधर मौजूद है, भाई है, बहन है, उनसे आपने जो उनकी एमरस आईडी है ना, इधर की रेजिडेंसी जो मिलती है एमरस आईडी, उसको आपने मंगवा लेना है और अपने पास पीडीएफ फाइल के अंदर अवेलेबल कर लेना है। तो इस तरह करने से आपकी जो शो मनी की प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आपको वो यूएई में इन होने देंगे। तो ये था जो मेन तरीकाकार मैंने आपको बताया है शो मनी प्रॉब्लम, अदरवाइज आपके पास 5000 दिरहम या 3000-2000 दिरहम लाजमी होने चाहिए फिर ही यूएई में आपको इन होने देंगे, यूएई की जो गवर्नमेंट का रूल है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपकी टिकट भी कंफर्म हो गई, वीजा भी जो है वो ओके हो गया, आप यूएई में आ गए,
तो इधर आकर जो आपको बेड स्पेस लेना पड़ता है, अगर तो आपके रिलेटिव, आपके कोई दोस्त अहबाब, आपके कोई रिश्तेदार इधर हैं, तो आप उनसे बात करके हैं कि भाई मैं इधर आ रहा हूं, आप मेरे लिए रहायश का इंतजाम करें। अगर तो कोई है आपकी, वो हामी भर लेते हैं, आपका जो है वो गारंटी उठाते हैं आपकी, तो इसमें आपका जो रहायश का खर्चा है वो बच जाता है, आप उनके पास आकर रहते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज आपका कोई भी इधर नहीं है, आप सिंगल आना चाहते हैं या इधर आकर रहायश इख्तियार करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मैक्सिमम जो रेट है अभी चल रहा है रहायश का बेड स्पेस का, वन आदमी का, एक मैन का, वो तकरीबन 300-350 के करीब जो है वो आपका ये खर्चा आ जाता है। यानी कि मैक्सिमम 300-350 जो खर्चा है आपका आ जाएगा बेड स्पेस का। अगर दो मंथ की बात की जाए तो 700 रुपया ये खर्चा आपका आ जाता है। टिकट और जो वीजा है वो तकरीबन आपका 2300 बना था, 700 रुपया ये भी आप इसमें ऐड करें तो ये तकरीबन 3000 दिरहम तक बन जाता है। अब जाहिर आपकी तीनों चीजें कंफर्म हो गई, टिकट भी हो गई, आपका जो वीजा है वो भी आपने ले लिया, और आपका जो रहायश का मसला भी खत्म हो गया। चौथी चीज आती है आपका खाना। मैक्सिमम भी आप अगर होटल से खाते हैं तो होटल से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर रोजाना की बुनियाद पर होटल से खाते हैं, दो वक्त का खाना या तीन वक्त का खाना, तो उसमें आपका 800 दिरहम भी कम पड़ जाएगा, 700-800 दिरहम भी आपका कम है एक महीने के लिए। आप कोशिश करें कि मेस लगवा लें, जिस तरह के इधर एक होटल में मेस होती है, तकरीबन हर होटल में एक तरीकाकार होता है, जहां के पास आप जहां भी आकर रहते हैं उधर जो करीबी होटल होता है वहां पर आप मेस लगवा लें, वो आपको खुद खाना आपके रूम में पहुंचा के भी आएंगे, और इसका तकरीबन आपको जो मैक्सिमम दो टाइम का खर्चा पड़ेगा वो 250-300 दिरहम तक है। 300 दिरहम भी अगर लगाया जाए तो दो मंथ का तकरीबन 600 दिरहम जो है आपका ये खर्चा आ जाता है। अब जो टोटल आपका खर्चा बना था वो तकरीबन 3000 वो बन गया और 600-3600 हो गया। इसके अलावा जो देगर अखराजात हैं, मसलन के आपके जो डेली जरूरियात में जो चप्पल हैं, शैम्पू साबुन वगैरह, और टोटली तौर पे आपने हजाम बनवानी है तो इसका जो है अलहदा से आपका खर्चा आएगा, ये भी अगर किया जाए तो तकरीबन 200 रुपया ये भी खर्चा आ जाता है। 3600 में आप मजीद ऐड करें 3600 दिरहम, तकरीबन 3800 दिरहम आपका जो है दो मंथ का खर्चा आ जाता है। इसके अलावा जो आपने अभी जॉब फाइंड आउट करने के लिए ट्रेवल करना है, ये भी खर्चा आपका 200-300 रुपया, अगर आप मेट्रो पे जाते हैं या आप टैक्सी यूज करते हैं तो टैक्सी में आपका खर्चा ज्यादा आ जाता है, मेट्रो में थोड़ा कम है। लेकिन मेट्रो में ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसी जगहों पर आपको जाना पड़ता है जहां पर मेट्रो नहीं जाती, वहां पर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़ती है जिसमें आपका खर्चा ज्यादा होता है, या आपको टैक्सी बाद औकात करानी पड़ती है, तो इसका भी जो है 300-400 रुपया खर्चा आप अलहदा से रखें। तो तकरीबन ये आपका 4000-4500 तक खर्चा जो है सिंपली दो मंथ का आ जाता है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आपका ये इतना खर्चा आ जाएगा दो मंथ का, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए, इसके बाद ही जो है आप यूएई का जो विजिट है वो कर सकते हैं। अब जो शो मनी है उसको भी अगर इसमें ऐड किया जाए तो सिंपली आपके पास अगर 3000 दिरहम है तो 4500 के अंदर ये भी ऐड किया जाए तो 7-7.5 दिरहम तक आपके पास होने चाहिए। अगर 5000 ऐड किया जाए तो फिर तो ये काफी 10000 तक अमाउंट बन जाती है। तो ये जो एक सिंपली मैंने आपको फिगर दिया है, आपने इसको जहन में सुन रखना है, आपके पास अगर इतने पैसे हैं तब ही आप यूएई का विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपने जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, इस हवाला से अलहदा एक वीडियो में बनाऊंगा कि आप इसके बाद जॉब आपने फाइंड करनी है वो कैसे करनी है, और किन तरीकेकार पर चलते हुए आपने जॉब तलाश करनी है, कौन से जो आपने कवायद उस जवाबित का ख्याल रखना है कि आपको दो मंथ के अंदर अंदर ही जॉब मिल जाए, इस पर अलहदा से एक वीडियो में बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा कि आप इस तरीके पर चले और आपको जॉब मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।